कि उपेंद्र कुशवाहा को बाकी के लोगों जैसा समझना, ट्रीट करना बड़ी घातक होगा जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार। जब आरसीपी सिंह निकले तब भी विद्रोह हुआ था, और उपेंद्र कुशवाहा निकले तो क्यों विद्रोह नहीं होगा? गुप्त सेटिंग करने के चक्कर में थे कि भाजपा से कहीं उधर से उधर हो जाए, उस पर नीतीश कुमार ने ब्रेक लगा दिया। उनके रडार पर चिराग पासवान जरूर हैं, लेकिन चिराग पासवान ने उनको ऐसा पटक नहीं दिया है कि नागालैंड में जो हुआ बच्चा बच्चा जानता है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये है रातों रात, जहां दिन भर की बड़ी खबरों पे हम चर्चा करते हैं और चर्चा पे विश्लेषण बाबा करते हैं। बाबा, पहला सवाल है कि जेडीयू के भीतर विद्रोह हो गया है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड जो है वो एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का जो बेस लाइन है वही कमज़ोर हो गया जी। जनता दल जब था, जनता दल से समता पार्टी बना, समता पार्टी के बाद फिर टूट हुई, फिर आकर के जनता दल यूनाइटेड बना। जनता दल कई भागों में बट गया, अब तो जनता दल तीन भाग में बटा हुआ है जी। जो पुराना जनता दल था वो तीन भाग में बटा हुआ है। पहले लालू प्रसाद उसमें से निकले, राष्ट्रीय जनता दल लेकर, राष्ट्रीय जनता दल इसमें भी जनता दल जुड़ा हुआ जी। दूसरा उसके बाद नीतीश कुमार बाहर निकले जी, जिसने जनता दल यूनाइटेड ले लिया। और अब उपेंद्र कुशवाहा निकले, उनके पास आरएलएसपी थी लेकिन उसे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लिखा हुआ था, जनता दल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय लोक जनता दल कर, जनता दल उन्होंने मिला दिया। इसका मतलब है कि आप तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। डीएनए की बात सुने हैं ना जी, जी। एक तरफ भाजपा कहती है कि नीतीश का डीएनए चेक करना चाहिए, ठीक नहीं है। तो आपको याद होगा कि बाल दाढ़ी सब दिया था, भेजा गया था दिल्ली भेजा गया था। तब नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, अगेंस्ट में थे। लेकिन जब आए उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमारा और भैया का डीएनए एक है, एक ही है, भाई भाई। यानी पहले नीतीश कुमार के डीएनए के साथ लालू प्रसाद ने अपना डीएनए मैच कराया, अपना सब बाल उन्होंने दिए थे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ कह ही दिया कि हम लोग का दोनों का डीएनए एक है, अगर कोई भैया पर हमला करेगा तो हम लक्ष्मण की तरह आगे खड़ा रहेंगे। लेकिन संबंध लक्ष्मण और राम वाला नहीं रह पाया, कमी कहाँ से रही ये अलग विषय है। और अभी बोलते हैं खून देंगे हम सब, बिल्कुल। माने लक्ष्मण और राम वाली जो स्थिति है उसमें अब राम से गलती हुई कि लक्ष्मण से गलती हुई, किसी न किसी से तो हुई थी ना, भीतर की बात। लक्ष्मण से भी एक गलती हुई थी और वो प्रेम में हो गई थी कि जब मारिच जो है राम राम चिल्लाने लगा, सॉरी लक्ष्मण चिल्लाने लगा, तो लक्ष्मण को लगा और भी आवाज बदल करके राम की आवाज में बोल रहा था, तो भाई के प्रेम में उस बात को भूल गए जो भाई ने कहा था, और दौड़े हुए पीछे पीछे गए तो वो सीता का हरण हो गया। एक गलती तो हो ही गई ना, जिसका पश्चाताप वो अंत तक करते रहे, कई बार तीर लगा, कई बार मृत्युशैया पर गए, बच गए। इन सारी बातों को लेकर के अब जो भीतर में विद्रोह हो रहा है, इस विद्रोह की शुरुआत आज की नहीं है, इस विद्रोह की शुरुआत शुरू से ही आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस के समय का हो, विद्रोह हुआ, नीतीश ने संभाल लिया। उसके बाद आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो नीतीश कुमार का आज पैरोकार हैं, पैरवी करते हैं, बहुत अलग अलग दलों से आए हैं, कोई रहा है, कोई बाहर गया है, फिर आया है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब में जैसे ही शरद यादव अलग हुए तो एक बार फिर से पार्टी में विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था। जब आरसीपी सिंह निकले तब भी विद्रोह हुआ था, और उपेंद्र कुशवाहा निकले तो क्यों विद्रोह नहीं होगा, होना ही है। और उसमें भी अगर इस चीज़ को बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के आने का मकसद जो कहा जा रहा है जदयू के लोगों के द्वारा कि वो आए ही थे इसलिए थे कि ये सब कुछ करेंगे, जदयू को तोड़ेंगे, लेकिन वास्तविकता है कि ये नहीं था। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो एक लिंक दिया हुआ है भारत लाइव का, विशेष पंचनामा करके दिया हुआ है, 2 साल पहले का है, 2021 का, जब उपेंद्र कुशवाहा अभी विलय अपनी पार्टी का नहीं किए थे जी। और तब हमारे डिस्कशन के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस पर पूरे माहौल पर डिस्कस किया था, हमारा इनपुट जो था वो एकदम बिल्कुल करेक्ट लगा, जो 2 साल पहले हम लोगों ने किया वो आज 90% हो गया है, 10% बचा हुआ है, और वो भी 10% एकदम डिट्टो है, सेम टू सेम है। हमने ये भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से निकलेंगे, हमने ये भी कहा था उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी बनाएंगे, ये सारी बात किन शर्तों पे बनाएंगे, क्या शर्तें हैं, ये सारी चीजें हमने उसमें डिफाइन करके दे दिया था, समय भी बता दिया था कि फलाने डेट तक ये सब कुछ हो जाएगा, और वो सारी चीजें हो गई हैं।
दो साल पहले हम लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन राजनीति में हम लोग ओढ़ना बिछौना जीना खाना सब राजनीति, चूंकि विशुद्ध राजनीतिक चैनल अगर कोई है तो ये आपका भारत लाइव। हमारे तीनों चैनल पर आप देखिएगा, चाहे भारत लाइव हो, पंचनामा हो या खुटा ठोक के हो, तीनों चैनल पर हम विशुद्ध राजनीतिक विश्लेषण करते हैं और वो बातें आगे चल करके सही होती हैं। कभी कभी लोग इस बात को लेकर के भरोसा भी नहीं करते हैं, और हम उन खबरों में पहले भी कह दिया करते थे कि हमारे खबरों को फेक न्यूज का। उपेंद्र कुशवाहा को जब ये खबर पता चली एक साल पहले जो हम लोगों ने कवर किया था, उन्होंने मुझसे बात किया और उन्होंने इनकार किया था कि ऐसा नहीं होना है, मैं नीतीश कुमार जी के साथ पूरी मजबूती के साथ हूं, और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काफी पहले की बात कर रहा हूं। बाबू तो हमेशा आपको फोन करते हैं कि आप ऐसे कहे जा रहे, हो जाता है बिल्कुल ये कई बार हमारे, लेकिन जिस दिन से पार्टी बनाए हैं उस दिन से हमारे उनके बीच में वो बातें नहीं हो रही हैं। अब वो नहीं कहते हैं कि आप ऐसा क्यों चला रहे हैं, क्योंकि जो बातें हमने कही वो 100% हुई, और उनके वो क्या कहेंगे, उनके अगल बगल के लोग, इर्द गिर्द के लोग कहते हैं, उनके विरोधी भी यह बात कहते हैं कि आपने जो कहा वो हुआ। खैर इस बात से आगे बढ़ते हैं, हम जदयू के विद्रोह की बात कर रहे थे, तो जदयू में विद्रोह का स्वर कहीं ना कहीं, आप जानते हैं आंदोलन को एक आदमी शुरू करता है, एक जेपी ने शुरू किया था, कितना बड़ा आंदोलन हुआ कि विशाल रूप ले लिया और सत्ता ही बदल गई केंद्र की। तो इन सारी चीजों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने वो बीजारोपण कर दिया है विद्रोह का, और धीरे धीरे देखिए कि लोग निकलना शुरू हो गए हैं, जो काम अब तक जॉर्ज फर्नांडिस नहीं कर पाए, शरद यादव नहीं कर पाए, आरसीपी सिंह नहीं कर पाए, वो काम उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया था। और हम शुरू से ये बताते आ रहे हैं, आप तो जानते हैं प्रिंस, कि शुरू से हम ये बात बताते आ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को बाकी के लोगों जैसा समझना, ट्रीट करना बड़ी घातक होगा जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के लिए। बात दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कुशवाहा और भाजपा की डील जो पेंडिंग है वो भी है। देखिए फिर एक बार ये बात कहना जरूरी होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चाह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ डील करें, उपेंद्र कुशवाहा वैसे डील करने वालों में से नहीं है, क्योंकि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है, और उसमें भी वो जमीन से उगाने वाले समाज से आते हैं। बहुत कुछ आपके घर में जितना तरकारी है ना, उस सब तरकारी यही समाज उगाता है और उसमें एक्सपेरिमेंट भी करता है। बैगन अगर बैगनी रंग का होता है तो उजला कैसे होगा, हरा कैसे होगा, ये एक्सपेरिमेंट भी करता है, और कौन शुद्ध है, कौन किसमें पेप्टिसाइड लगा मिला हुआ है, सब जानता है। कीड़ा का अलग छाटता है, कीड़ा वाला अलग छाट लेता है, सब अलग छाट लेता है, तो ये सारे गुण उसमें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा है कि इतना आसानी से गप से निकल जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा इतने आसान नहीं है, बाहर निकले हैं तो बहुत कुछ ले करके आपसे समझौता करेंगे, ना तो उनके पास जो जनाधार उनका चल रहा है, और जिस तरह से पिछले 5 दिन से वो लगातार हंगामा मचाएंगे बिहार की राजनीति से लेकर के देश की राजनीति पर, और सारा इनपुट जो है एकदम उन्हीं। आप एक बात समझिए ना, मुकेश सहनी को जेड श्रेणी वाई श्रेणी मिल गया, चिराग पासवान को जेड श्रेणी वाई श्रेणी मिल गया, उपेंद्र कुशवाहा काहे नहीं लिए। उपेंद्र कुशवाहा सबसे ज्यादा ना बिहार में चर्चित हैं, सबसे ज्यादा खतरा तो उन्हीं को होना चाहिए था, कारण कि सीधे वो भिड़ंत सरकारें से लिए हैं। कहावत नहीं है कि बड़ा चीज के लिए छोटा चीज का त्याग करना पड़ता है, तो ये आप समझ के रखिएगा कि जेड श्रेणी का वाई श्रेणी लेने के बाद कहीं ना कहीं उस गिरफ्त में आ जाएंगे, वो अगर छींकेंगे भी ना तो ये खबर सीधे दिल्ली जाएगी। इसलिए डॉक्टर के यहाँ जेबे नहीं करें तो मर्ज पते नहीं चलेगा, राम जी से चलना चाहिए। बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा एक अलग रास्ते पर निकल गए हैं, और उपेंद्र कुशवाहा की डील पेंडिंग होने का कारण सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी को वो सारी शर्तें माननी होगी जो शर्त उपेंद्र कुशवाहा रखेंगे। लगभग उन्होंने अपनी बात रख दी है, मिलना जुलना अलग बात है, मिलने के लिए अगर उनके उनसे मिलने संजय जायसवाल जाते हैं, जिस संजय जायसवाल से एनडीए में रहते हुए 36 का आंकड़ा था, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये मत समझ लिया है कि अगर सुशील मोदी कह देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा तो हमारे साथ हैं तो उनके साथ हैं, ये सब बातें अभी एकदम ठंडे बस्ते में रख दीजिए, और पेंडिंग पड़ा हुआ है ये बात समझ लीजिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को 1-2 सीट नहीं चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को 2019 में महागठबंधन जो सीटें मिली थी उससे ज्यादा सीट चाहिए, क्योंकि अब वो पूरे रंग में आ गए हैं और उनको आधा सुधा नहीं हिस्सा लेके बोलवे किए हैं कि नीतीश में बचा क्या है कि उनसे हम लेने जाएंगे, हमको पूरा चाहिए जदयू, और पूरा जदयू का मतलब है कि जैसा समझौता नीतीश कुमार ने किया था 2019 में उस तरह का समझौता करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, और इसीलिए डील ये
पेंडिंग है। अब ऐसा मत समझ लीजिए कि 17-17-6 का फॉर्मूला तय होगा, 17-17-6 के फॉर्मूला से भी अलग फॉर्मूला है, कभी अस्थिर से उसके बारे में भी बताएंगे। समय है अभी। समय है, इसलिए कि अभी यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करके लौटने दीजिए ना। इस यात्रा में जो हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि 2020 में भीड़ जितना जुटती थी तेजस्वी यादव को देखने के लिए, वो उनको वोट भी देती थी। ये बात हम लोगों ने कहा तो बड़ी पिनिक गए थे राष्ट्रीय जनता दल के लोग। हमने जब कहा था कि आप चाहे लाख प्रयास कर लें, आप मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं पहुंचेंगे, तो और पिनक गया था लोग। बोला था कि मनुवादी चैनल है तो ये भाजपा का चैनल है। भैया आज बन गए। वही हाल है कि जब ये सारी बातें निश्चित रूप से जब सामने नजर आएंगी तो सब कुछ क्लियर नजर आएगा। तीसरा प्रश्न हुआ कि ललन सिंह के रडार पर चिराग पासवान है। देखिए, ललन सिंह और चिराग पासवान का जो रेपो है वो कुछ अलग तरह का है। ललन सिंह और चिराग पासवान ये दोनों तब से 2020 से नहीं, इनकी दुश्मनी शुरू हुई थी 2021 से। क्योंकि जब चिराग पासवान सामने से निकले थे और निकल करके उन्होंने आशीर्वाद यात्रा शुरू किया था, आशीर्वाद लेने के लिए लोगों के पास जा रहे थे, ललन सिंह ने उनकी पार्टी को दो खंडों में कर दिया था जैसा कहा जाता है, हम उस पर दावा नहीं करते हैं, लेकिन ललन सिंह पर ही आरोप लगता है कि उन्होंने नीतीश कुमार का बदला जो 2020 में उन्होंने किया था, अलग से चुनाव लड़ करके और नीतीश कुमार को डैमेज किया था, 43 सीट पर लाके खड़ा कर दिया था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ललन सिंह नाराज थे, उसका बदला लेना था उनको, उस बदला को लेने के लिए वो आगे बढ़े, लेकिन दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अब उनके रडार पर चिराग पासवान जरूर हैं, लेकिन चिराग पासवान ने उनको ऐसा पटक नहीं दिया है कि नागालैंड में जो हुआ वो बच्चा बच्चा जानता है, माने ये सपना देखते ही रह गए तब तक उनका पूरा टीमवे जो है ना पलट ली अपने तरफ जी। और जीतने वाले, दो सीट जीतने वाले, कहीं ना कहीं आप समझिए ना कि इतना दिन से फील्डिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे ललन सिंह जी, अब मैच जीता कौन, 2-1 से मैच जीत करके, और तीसरे टीम को तो शून्य पर बोल्ड कर दिए। इसका मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं रडार पर तो रहेंगे चिराग पासवान, लेकिन आगे अभी बहुत राजनीति बाकी है। तेजस्वी, चौथा आखिरी प्रश्न है, तेजस्वी की गुप्त सेटिंग। देखिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है जो कि संभव नहीं लग रहा है, एक बार फिर कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके समाज के लोग बहुत तरह की बात करेंगे, लेकिन इतना मान के चलिए कि उनका मुख्यमंत्री जो बनने का सपना है अभी वो सपना ही रहेगा, क्योंकि 2025 तक तो नीतीश कुमार हैं, फाइनल भाजपा आपको साथ दे नहीं रही है जी। आपने आरसीपी सिंह पर जो दाव खेला था, आरसीपी सिंह को इंतजार कर रहे थे कि पेड़ पर से गिरेगा, छान लेंगे, खा लेंगे, तो आरसीपी सिंह वो काम कर नहीं पाए, नहीं तोड़ पाए 5-10 वहां से विधायक, ये भी वो काम हो गया। इसके बाद अब देखिए कि एक और घटना घटी, और वो घटना थी कि जिस तरह से आगे बढ़ करके गुप्त सेटिंग करने के चक्कर में थे कि भाजपा से कहीं उधर से उधर हो जाए, उस पर नीतीश कुमार ने ब्रेक लगा दिया। ये सारी बातें जब अपनी जगह पर आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं एक बात पता चलता है, लेकिन इनके सारे सेटिंग में नीतीश कुमार भारी पड़ रहे हैं, और 2025 तक तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कुर्सी पर फटकने भी नहीं देंगे। कारण कि आप देख ही रहे होंगे कि क्या क्या हो रहा है। एक तरफ आप देखिए कि अपने मंत्रियों से, जो शीर्ष नेता उनके हैं, उनसे अलग अलग तरह की भाषा बुलवा रहे हैं, जिसको लेकर के जदयू लगातार उन पर हमला कर रही है। ये सारी बातें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं बातें दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार उन सारे चीज पर कंट्रोल किए हुए हैं। एक बात आपको बताते हैं कि शुरू में हमने जो आपसे कहा था कि हम 2 साल पहले जो खबर आपके सामने रखे थे, वो खबर आज के डेट में बिल्कुल सत्य प्रमाणित हुई है, उसका लिंक दिया हुआ है। एक बार हम चाहेंगे कि उस खबर पर विजिट जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में विचार जरूर लिखिएगा। आपसे हम तो आज यहीं विदा लेंगे, बाकी अब तब देख रहे थे। बाबा ने सभी मुद्दों को लेकर चर्चाएं की, विश्लेषण करके बताया कि कैसे बिहार की राजनीति करवट ले रही है और क्या कुछ चल रहा है। इसी तरह के जानकारी के लिए आप भारत लाइव देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 8167 00। धन्यवाद।